नमस्कार, मैं हूं अमृता सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर बानसूर से। बानसूर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत की। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोच विचारधारा बेटियों को आगे बढ़ाने के कदम को बढ़ाते हुए आज स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत की। मौके पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, जिला कलेक्टर मन्नू मल पहाड़िया, CMHO OP मीना सहित सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने बताया कि बेटी के जन्म पर परिवार में लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं समझे। इस क्रम में आज बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर बानसूर विधानसभा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नवजात बालिकाओं को किट वितरित किए गए एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना हेतु परिवारजनों को प्रस्तुत पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एक बुजुर्ग महिला जो कि अपने स्वास्थ्य को दिखाने के लिए अस्पताल पहुंची, उस पर सर्दी के कपड़े ना देकर मंत्री महोदय ने शॉल ओढ़ाकर उसका स्वागत किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री, मुख्य चिकित्सा अधिकारी OP मीणा सहित सभी अधिकारियों ने कोरोना की तृतीय लहर की तैयारियों का जायजा किया, जिसमें ICU एवं कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सभी तैयारियों की सराहना की। लक्ष्मी डॉक्टर है ना मैम? हाँ, ये भी तो लड़की वाली है। ये भी लड़की वाली, लड़की वाली है दोनों। ये दोनों लड़की वाली है, लड़की मैडम जरा इधर देखना, सर तो वहाँ पर वार्ड में दे दिया गया है और उनको बालिकाओं के साथ कोई भी किसी तरीके की भी घटना है, दुर्घटना है, कोई और अन्य तरीके की कोई भी घटना है, वो निंदनीय है। और हम सरकार और हमारा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस प्रशासन पहुंच गया था अस्पताल, उसका ट्रीटमेंट कराया, जयपुर एडमिट कराया और मैं भी वहाँ पहुँची थी और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। मेरी भी रेगुलर डॉक्टर से बात हो रही है। अभी FSL रिपोर्ट और वो जो रिपोर्ट क्या आती है उसके आधार पे निर्धारित होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ बच्चे के साथ। मैं तो इस तरीके का कमेंट नहीं कर सकती कि बालिका के साथ क्या घटना घटी होगी, ये तो ईश्वर जाने। लेकिन जो डॉक्टरी रिपोर्ट आएगी वही तय करेगी। दूसरा, सरकार पूरी तरह से सजग है, CBI से जांच हो चाहे किसी भी तरीके की जांच के लिए सरकार आगे है, तत्पर है, तत्पर रहेगी। बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए या किसी भी तरीके के अपराध के लिए सरकार आगे है। और जो जो भी अभी प्रक्रियाएं हैं हो रहा है तो उसमें सरकार किसी तरीके की कोई जांच में कमी नहीं छोड़ेगी। प्रतिपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि अलवर जिले आपराधिक संख्या है, चाहे अलवर हो, चाहे और कोई जिले हो, अन्य जिले हो, राजस्थान हो, पूरा इंडिया हो, पूरा कहीं पर भी पूरा देश हो, ये एक आपराधिक घटनाएं बढ़ना नहीं बढ़ना, ये प्रक्रियाएं मंत्री हो, सरकार हो, कोई किसी तरीके की कोई कमी हम नहीं।